हे गाइस, माय नेम इज बिरेन सिंह। वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो आपके मन में उठ रहे होंगे। अब ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ, एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। एंड इसके अलावा जो है कुछ सवाल इस वीडियो को देखने के बाद CSIR एस्पिरेंट्स के मन में उठेगा कि सर हमारे लिए भी तो कुछ बता दो। ठीक है, तो उनके लिए भी बात करूंगा अगले वीडियो में। अब बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके मन में सवाल उठता है कि क्या गेट फेलोशिप देगी? तो द सिंपल सी चीज है भैया, गेट जो है आपको फेलोशिप नहीं प्रोवाइड करती। आप गेट के थ्रू, जैसे CSIR एक फेलोशिप प्रोवाइड करती है, गेट कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करता। उसके लिए एक मतलब अलग प्रोसीजर, अलग का मतलब गेट के थ्रू आप एडमिशन जरूर ले सकते हो, और आफ्टर द एडमिशन जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको प्रोवाइड करता है। जो भी लोग गेट के थ्रू PhD में इनरोल होते हैं उनको गेट के थ्रू पैसा नहीं मिलता, उनको इंस्टीट्यूट के थ्रू पैसा मिलता है, जो कि PhD का 31,000 पर मंथ जनरली जो होता है। नाउ सो ये चीज आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि गेट के थ्रू आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हो डिफरेंट IITs में फॉर्म भरने के लिए। अब डिफरेंट IITs के बारे में आते ही कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि मेरा स्कोर कौन सा स्कोर है जो किस IIT में जा सकते हैं, सर इस पे होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे पर्सनल मैसेज आप लोग भेजने लगते हो फटाफट। द वेरी सिंपल कि आप प्रीवियस कट ऑफ जाके देख सकते हो, प्रीवियस IITs के वेबसाइट पे या प्रीवियस जो कट ऑफ है वो जाके देख सकते हो। एंड ऑन एन एवरेज में अगर बात करूं, ठीक है ना, तो अभी रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसमें रैंक और मार्क्स का कोई रोल नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ना तो रैंक आपका बहुत मैटर करने वाला है, नहीं मार्क्स मैटर करने वाला है। अगर आप MSc या MTech के थ्रू PhD करने जा रहे हो विथ गेट क्वालिफाइड मैनर पे, ठीक है। अब इसके लिए दो प्रोसीजर्स होती है। मोस्ट ऑफ द IITs दो प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। पहला होता है रिटन टेस्ट एंड दूसरा होता है जो आपका इंटरव्यू। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू IICs में भी अप्लाई कर सकते हो, IISER में भी अप्लाई, जहां जहां एलिजिबिलिटी होती है। ज्यादातर IITs एंड IISER बैंगलोर, इन जगहों पे आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो विथ द गेट। अब क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दो होता है। कुछ जगहों पे सिर्फ इंटरव्यू प्रीफर किया जाता है, कुछ जगहों पे रिटन और इंटरव्यू प्रीफर किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखे रहिएगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो हर IITs के लिए जरूरी नहीं है, अलग अलग IITs के लिए अलग अलग चीजें हो सकती है। एंड फॉर एवरी IIT, अगर आप बॉम्बे जाना चाहो, चाहे दिल्ली जाना चाहो, BHU जाना चाहो, आप भुवनेश्वर जा रहे हो, गांधीनगर, गुवाहाटी, मद्रास, कानपुर, कहीं पे भी जाना चाह रहे हो, तो आप उन IITs के वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। देर इज नो समथिंग लाइक कि जैसे MTech का एडमिशन होता है उनका एक कॉमन पोर्टल होता है, BTech का एक कॉमन पोर्टल होता है, बट नॉट फॉर PhD। PhD के लिए आप पहले IIT को स्क्रीन आउट करके, जब उनका एडमिशन फॉर्म आता है, अभी आएगा रिसेंटली मार्च अप्रैल में सबका हो जाएगा, मार्च से शुरू हो जाएगा ऑलमोस्ट, मार्च एंड से लगभग लगभग मार्च और अप्रैल से तक, क्योंकि मई में इंटरव्यू वगैरह होंगे फॉर अपकमिंग लाइक सेशन जो है उसके लिए। तो आपको क्या करना है, उनकी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपका उनका एक पोर्टल होता है, वहां से अप्लाई करना पड़ेगा विद द रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो भी उनकी जरूरत होगी, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, MSc, BSc, आपका जो गेट का स्कोर कार्ड होगा, ये सारी चीजों के साथ आप अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि कौन सी IIT मिलेगी। सवाल आता है कि सर कौन सी IIT मिलेगी, किस स्कोर पे मिलेगी। तो लेट मी क्लियर वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका कोई फंडा नहीं है। कई कई लोग जिसका स्कोर 500 है वो IIT बॉम्बे में है, और कई ऐसे लोग जिनका स्कोर 800 भी होता है, जैसे मेरे लोग IIT BHU में भी है। तो इट डजंट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ रैंक मैटर करता है, इट्स अ सिंपल थिंग, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस IIT में जाना चाहते हो। मेरी चॉइस थी, जैसे मैं ड्रॉप्ड IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और मैं IIT BHU सेलेक्ट किया, वो मेरी चॉइस होती है, पहली चीज। दूसरी ये चीज होती है कि हर एक IIT का कट ऑफ होता है, वो जन ऑन एन एवरेज 450 या 400 के आसपास होता है। कुछ IITs जैसे खड़गपुर, कुछ IIT जैसे मद्रास कट ऑफ को थोड़ा हाई रखते हैं, दिल्ली भी कभी कभी हाई रखता है। तो ऑन एन एवरेज जो स्कोर होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्क्स एंड रैंक, फिर से ध्यान रखना, मार्क्स और रैंक की बात नहीं कर रहा हूं। आपका जब स्कोर कार्ड आएगा गेट का, तो उसमें एक स्कोर कार्ड होता है, एक स्कोर होता है, जैसे NTA का स्कोर आ रहा था CSIR के लिए, गेट का भी उसी तरीके की स्कोर कैलकुलेट होता है। उसका फॉर्मूला आपको दिया होगा ब्रोशर में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, और जितनी भी IITs होंगे उस स्कोर के बेसिस पे अपना कट ऑफ निकालेंगे कि इसके ऊपर के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑन एन एवरेज अगर आपका स्कोर 450 के ऊपर है, तो जनरली आप मोस्ट ऑफ द IITs के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ कुछ जगहों पे नहीं हो पाते क्योंकि वो स्कोर
500 600 भी रख देते हैं। जैसे IIC बैंगलोर, वो अपना स्कोर अच्छा खासा ऊपर रखते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड है उनका और अलग लेवल की प्रवृत्ति के इंस्टीट्यूट के लिए जाने जाते हैं वो। सो इट वॉज लाइक कि जब भी आप देखेंगे तो अलग अलग कट ऑफ डिसाइडेड होगा। उनकी वेबसाइट पे भी पर्सपेक्टिव, जब भी कोई IIT निकालेगी तो उसमें कट ऑफ स्कोर दिया रहेगा। अब ये स्कोर कितने मार्क्स पे कितना आएगा, इसके लिए कुछ एक फंडामेंटल कहते कि फॉर्मूला जरूर होता है, बट इसका एक्चुअल स्कोर कैलकुलेशन IIT करती है या जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो करती है, क्योंकि उनके लिए पूरा, उनके पास पूरा डेटा होता है उसमें जो भी चीजें दी गई होती है। ऑन एन एवरेज या मैं एज्यूम या नॉर्मली अगर प्रिडिक्शन की बात करूं तो जनरली क्या होता है कि अगर आपका कट ऑफ से 4 से 5 जो होता है नंबर ज्यादा है, मैक्सिमम मैं मिनिमम बता रहा हूं कि अगर मतलब अगर कट ऑफ मान लीजिए कि 30 नंबर गया है लाइफ साइंस के लिए और आपका 34 नंबर है, तो समझ लो कि आपका स्कोर जो है 400 प्लस जाने वाला है लगभग लगभग, अगर 10,000 के आसपास स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं तो। इसी तरीके से अगर बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ मान लीजिए 30 नंबर है और अब 34 35 है, तो लगभग लगभग आपका स्कोर जो है वो 400 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। और ऑन अगर मैं सेफ साइड की बात करूं तो जनरली जितने भी स्टूडेंट 40 प्लस के हैं, जितने भी स्टूडेंट 40 प्लस मार्क्स लेके जा रहे हैं, वो 400 प्लस स्कोर अपना एक नॉर्मली कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 प्लस स्कोर। और 400 प्लस स्कोर मतलब मोस्ट ऑफ द IITs के लिए या PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वेरी सिंपल है, अपने 10th को स्कैन अडॉप्ट, 10th 11th 12th का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है उन सबके डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th BSc या MSc BTech MTech वॉट एवर, उनको स्कैन कर लीजिए, रख लीजिए प्रॉपरली। अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट के थ्रू अप्लाई किए तो उसको बनवा लीजिए प्रॉपरली, क्योंकि उसकी जरूरत भी होती है और वो लेटेस्ट चाहिए 6 महीने के अंदर वाला, नहीं तो बड़ा लफड़ा हो जाता है, मैं पहली बार आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब स्कैन करके प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए, जब भी फॉर्म आएगा वहां पे अपलोड कर लीजिएगा, एक प्रॉपर फोटो वगैरह भी स्कैन करके या क्लिक करके मोबाइल से उसको उसका साइज रिड्यूस करके भी आप यूज कर सकते। तो जो भी है ये सारी चीजें आप प्रॉपर अभी कर लीजिए, जब भी स्कोर कार्ड आएगा, जब आपका कट ऑफ आएगा किसी IIT का, देखिएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आपने क्या समझा, पहले मैंने बताया कि फेलोशिप नहीं मिलेगी, इंस्टीट्यूट के थ्रू से फेलोशिप मिलेगी। दूसरा है मैंने बताया कि लगभग लगभग 40 प्लस वाले जो मार्क्स वाले हैं वो अपने आप को सेफ साइड में रख सकते हैं कि वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट IITs के लिए। नाउ अब बात आती है कि आपने अप्लाई तो कर दिया, गए वेबसाइट पे, वहां पे डिटेल्स भरी, मार्क्स भरे, इंफॉर्मेशन भरा और अप्लाई कर दिया। देन आफ्टर दैट देयर इज अ रिटन टेस्ट फॉर सम ऑफ द IITs। अब ये रिटन टेस्ट अलग अलग IITs अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग लेती है। फॉर एग्जाम्पल IIT दिल्ली बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज देयर। अब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको कभी भी कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो मॉलिकुलर का बहुत डीप जाके है, बिकॉज वहां पे काम जो होता है वो बायो प्रोसेस यानी एंजाइम्स, या आप बोल सकते हो कि जहाँ पे प्रोटीन केमिस्ट्री आ सकती है, बायो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, मॉलिकुलर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इकोलॉजी इवोल्यूशन के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे उनके रिटेन टेस्ट में। तो हर एक IIT, जैसे अगर आप बायोमेडिकल में जाएंगे IIT बॉम्बे, या उसमें जो होता है स्कूल वहां पे बायो में कहते हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, वहां पे एक और बायोलॉजी का स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है जो कि IIT बॉम्बे में है, वो पूरा पूरा कोर बायो पूछते हैं, अच्छा खासा मॉलिकुलर सेल इको सब सब डेप बायो सब पूछेंगे अच्छे तरीके से। तो हर एक IIT की एक स्पेसिफिक कोर होता है, और ये कैसे पता चलेगा, उस IIT के उस डिपार्टमेंट पे विजिट कर लीजिए। हर एक डिपार्टमेंट पे एक फॉर्मल सिलेबस दिया होता है रिटेन टेस्ट का, आपको मेल भी आएगा अगर आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो मेल भी आता है कि ये सिलेबस होगा रिटेन टेस्ट का, ठीक है ना, तो उसको पढ़ना होता है। और हर एक IIT का अगर आपको नहीं भी आता है तो उस IIT के उस डिपार्टमेंट पे विजिट करिए जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है। जब आप विजिट करेंगे ना तो विजिट करने के बाद आपको क्या होगा कि उसमें सब्जेक्ट दे जाता है कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ता है पढ़ाया जाता है या ये सब लिस्टेड है, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी करिए आप, क्योंकि उनको वही चीज चाहिए, वही स्टूडेंट चाहिए जो उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करता हो। तो डिफरेंट सी बात है कि आपको भी उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप रिटन टेस्ट निकालते हैं देन आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। कभी कभी कुछ कुछ IITs के लिए इंटरव्यू या नॉर्मली जो होता है उसी दिन होता है, किसी के सिले के लिए अगले दिन होता है। तो जब भी आप विजिट करें IITs के लिए, चाहे बॉम्बे मद्रास कानपुर कहीं पे भी, तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी विजिट करें तो आप 1 2 दिन का विंडो लेके चले, और वो वैसे तो डेट बता देते कि 14 15 है या 12 13 समथिंग, मई में जनरली इंटरव्यूज होते हैं ज्यादातर, IIC बैंगलोर थोड़ा पहले लेता है, बाकी सब मई में शिफ्ट करेंगे इंटरव्यूज के लिए।
ठीक है। तो अभी अब बुलाते हैं या कोविड के चक्कर में ऑनलाइन होता है, क्योंकि पिछली बार तो ऑनलाइन हुआ था, मे बी इस बार भी ऑनलाइन हो सकता है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। अब बात आती है इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। रिटन टेस्ट में तो अगर हम सिलेबस देख ले रहे हैं, हम उस तरीके की तैयारी कर रहे हैं जैसा डिपार्टमेंट है, क्या पढ़ाया जा रहा है वहां पे, इंटरव्यू में भी उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इंटरव्यू में भी, जैसे कि अगर मैं आईआईटी दिल्ली की बात करूं, तो वहां पे क्वेश्चन आपसे एंजाइम से रिलेटेड, बायो प्रोसेस से रिलेटेड, बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे वहां पे जो बायो केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। और वहीं पे अगर आईआईटी दिल्ली में एनर्जी स्टडीज पे जाओगे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे जाओगे, तो वहां पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल दो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाएगा, बट उससे थोड़ा सा रिलेवेंट पूछा जाएगा। इसी तरीके से बायोमेडिकल पे जाओगे, थोड़ा सा आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी फोकस किया जाएगा, थोड़े से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, मतलब बेसिकली जो होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बात की जाएगी। वहां पे बायोलॉजिकल साइंस पे जाओगे, कोर मॉलिकुलर बायोलॉजी पूछा जाएगा, कोर बायोलॉजी पूछा जाएगा। तो यू हैव टू नो दोज थिंग्स, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि उस तरीके से क्वेश्चन। और ये सब कुछ ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत तूफान करना होता है, जस्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको जो चीज नहीं आए उसको मना कर दीजिए कि आप नहीं जानते हैं, और जो चीज आए उसका जवाब दीजिए। गलत जवाब देने से बचिए, क्योंकि गलत जवाब देने का ये मतलब हो जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है और आप बोलते हो आप ताजमहल है, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि ताजमहल क्या होता है। तो जब आप गलत जवाब देते हो तो दो आप इंटरप्रेटर या जो भी इंटरव्यूअर होता है वो समझ जाता है कि आपको दोनों का आंसर नहीं पता है, क्योंकि आप जो गलत दे रहे होते हो जवाब उसको भी नहीं पता कि वो यहाँ पे नहीं आएगा, और जो पूछा गया वो तो आपको पता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा गलत जवाब देने से बचे। नहीं आता तो से इट क्लियरली कि सर आई डोंट नो, और इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। क्लियर रहेंगे तो जितना क्लियर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आईटी बॉम्बे में इसी एटीट्यूड को लेकर सिविल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है, वहां पे मेरा दिस इज लाइक कि जब मुझे जो क्वेश्चन नहीं आता था मैंने बोला नहीं आ रहा, जो आता था मैंने जवाब दिया और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड दैट्स, वो मेरे को इस चीज को बोले भी थे कि यू आर वेरी लॉयल विथ योर आंसर्स एंड दैट इज अ गुड एटीट्यूड, कि आपको अपने आंसर्स के साथ एक गुड एटीट्यूड के साथ रहना होता है। इसके अलावा कि ये सारी चीजें जो है करनी होती है इंटरव्यूज के लिए, थोड़ा सा अपने थीसिस पे भी पढ़ाई करनी होती है कि आपने एमएससी या एमटेक में क्या काम किया। रिपोर्ट जो होता है, कई लोग बोलते हैं क्या रिपोर्ट देखा जाएगा, क्योंकि मेरा थीसिस नहीं है, मेरा डिजर्टेशन नहीं है, समथिंग लाइक, नहीं तो नहीं है तो नहीं है, लेकिन जिसके पास है कम से कम वो तैयारी करे। जिसके पास नहीं है, अब देखो वो तो हो चुका, अब उसी के थ्रू जाओगे, कहीं पे उस चीज को तवज्जो देते हैं कहीं पे नहीं देते हैं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, लेकिन कई जगहों पे दिया जाता है, कई जगहों पे नहीं दिया जाता। कई कई जगहों पे तो आपको थीसिस पूछते तक नहीं है, देखते तक नहीं कि आपके पास नहीं है। आईटी दिल्ली के एक डिपार्टमेंट में, जिसमें मैं 2017 में था, 16 में, नहीं देखा मेरा थीसिस तक, नहीं देखा था उन्होंने कि क्या हुआ। तो दिस इज समथिंग कि आप जरूरी नहीं कि आप क्या कह सकते हैं कि कई जगहों पे होगा कई जगहों पे नहीं होगा। तो अल्टीमेटली गेट फेलोशिप नहीं देगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप देगी वहां पे आपको, और उसके या प्रोजेक्ट में जो पैसा होगा उसके थ्रू आपको पैसे मिलेंगे, या तो इंस्टीट्यूट देगा या तो प्रोजेक्ट के थ्रू मिलेगा, अगर डीएसटी का प्रोजेक्ट वहां पे किसी गाइड के अंडर चल रहा है या कुछ चल रहा है। ये सारी चीजें, एक अच्छा तरीका ये है कि आप आईआईटी बॉम्बे या कहीं पे भी जा रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि गाइड जो होता है ना, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो गाइड के थ्रू जो भी होते हैं प्रोजेक्ट वाइज, आप गाइड से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज आपको देता है। लेकिन सबसे सिंपल तरीका होता है आराम से कूल रहो, स्कोर कार्ड आने दो, फिर अब उस स्कोर कार्ड को लेना, जहां जहां एलिजिबल अप्लाई करना, रिटन टेस्ट की अच्छी से तैयारी करना। इस पे मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, एक बार फिर से जब अप्रैल की तरफ आएगा तो मैं स्पेसिफिकली हर एक आईटीज के लिए स्पेसिफिक कोर, कुछ कोर कोर सेक्शंस भी लेके आऊंगा, तो वो सारी सारी चीजें भी आएंगी। और अभी भी आप जाके खुद देख के तैयारी शुरू कर सकते हो उस वीडियो के वेट करने के बजाय। इंटरव्यूज वगैरह के लिए तैयारी स्पेसिफिक नहीं है, बस अपने बेसिक्स पे, और जो काम आप रिटन के लिए करोगे उस वैसे ही क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछे जाएंगे। लेकिन बी काम बी रियल। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी बहुत फ्रूटफुल लगी होगी, और लगी है तो डेफिनेटली इस चीज़ को जरूर शेयर करिएगा और उन तक भी पहुंचाइएगा कि जो लोग इस वीडियो को देखें और अपनी हेल्प ले सके। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फॉर नेक्स्ट CSIR लोग जो क्वालिफाई किए वो क्या करें और कैसे करें उनके लिए। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।